सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठते ही जब आप बिस्तर से आप उठते हो तो वो पहला टाइम है जहां आपके होरा आपके दिनचर्या आपके लग्न जिस लग्न में आप शरीर छोड़ते हो लेट में, अभी तो मकर राशि वाली हो नेचुरली लेट में ही उठती रहोगी, जल्दी उठने का तो नहीं दिख रहा है इस समय, जल्दी उठने के लिए और 3-4-6 महीना बाकी है, उसके बाद थोड़ा सा आप अपने को विन्यास करना चालू कर दोगे, लेकिन अभी आपका दिनचर्या मैनेजमेंट मेंटेन में मैनेजमेंट नहीं हो पाता रहेगा, कभी बहुत ज़्यादा मन में दुख, कभी बहुत ज़्यादा मन में खुशी, कभी लगता है सब ठीक हो गया, कभी लगता है कि डिप्रेशन में हो, कुछ करने का इच्छा नहीं हो रहा है, पड़े हुए हो, कुछ सोच रही हो और 2 दिन से ज़्यादा हो रहा है, और मैं तो ये राशिफल में बताया हूँ, 2 दिन से ज़्यादा होगा, कल का भी राशिफल देख लो उसमें भी बताया हूँ, अभी द्वादश का चंद्रमा मकर का चल रहा है भाई, डिप्रेशन टेंशन सोच बिन मतलब का बात, बिन मतलब का भय, रोग हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा, मेरा ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, मर जाता तो अच्छा होता, शायद आगे कुछ नहीं कर पाऊँगी, शायद आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा, ये सोच द्वादश चंद्रमा में देता है, तो ये चल रहा है, तो कभी अच्छा कभी बुरा, एक फिक्स टेंडेंसी नहीं है, आप अपने रूम को इधर उधर फेंका हुआ पड़ा हुआ है उठा के एक जगह में रखने का इच्छा नहीं है, मैनेजमेंट करने का इच्छा नहीं है, चीज़ों को संभाल के अपने जगह में रखने का इच्छा नहीं है, रुचि नहीं है, करने का मन भी नहीं बनता है, मोबाइल पड़ा है अपने जगह में, मतलब बात करने का इच्छा नहीं, किसी से फ़ोन में बतियाने का इच्छा नहीं है, कोई बात करे तो किसी और को दे दो, इस प्रकार का एक आइसोलेशन, एक संन्यास भाव, एक प्रकार के दुश्चिंता, और कभी कभार फिर अच्छा हो जाएगा, कभी कभार थोड़ा सा ठीक लगने भी लगेगा, तो ये कंडीशन इसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक बाधक स्थिति, ठीक है, और ये मकर राशि का अभी होगा, और कल अभी तक मैं वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर दिया हूँ, देखो इस समय मन के घर में गुरु बृहस्पति, सूर्य नक्षत्र और शुक्र नक्षत्र में अगला 3 महीना बड़े सारे नेगेटिव फल, मैं ऑलरेडी बोल दिया हूँ, पहले भी बृहस्पति मैं इसका बता दिया था, एक वीडियो 7 मिनट का दिया था और आज शाम को एक मिल जाएगा देख लेना, मन विनाश कर देंगे, मानसिक दुख को बढ़ा देंगे, तो ये होगा, तो ऐसे कंडीशन पे क्या करना चाहिए रेमेडी, सुबह उठते ही सूर्य भगवान को, जितना बजे उठते हो कोई बात नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सुबह उठो, सुबह जिस समय बिस्तर छोड़ते हो उसी समय किताब लेके बैठ जाओ, जब तक आपका जाप और पाठ खत्म नहीं होता है बाहर मत निकलो, फोन मत अटेंड करो, किसी से बात मत करो, बतियाओ मत, यानी सुबह, हाँ सुबह 1 घंटा से 2 घंटा आसन प्राणायाम और ध्यान और जाप और मंत्र पाठ या सुंदराकांड का पाठ या जिसका जो 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 जिसका ग्रह के अनुसार मैं दिया हूँ, नहीं करते हो घर से मत निकलो, कर लो बाहर निकलो, देखो पूरा काम सब ओके हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन बोलोगे कि मैं आके शाम को करूँगी या करूँगा तो फिर आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। नहीं देखो पहले पहले तो बुक से ही पढ़ते हैं, धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है तो फिर अपने आप मन में आ जाता है, लेकिन मेरा एडवाइज है कि जो ऐसे लंबा पाठ हैं जैसे सुंदराकांड या सप्तसती चंडी या चंडी कवच, ऐसे जिनको बड़ा पाठ मिला हुआ है भले याद रहे फिर भी पुस्तक देख के ही पाठ करिए, ताकि कहीं एक भी मिस्टेक नहीं हो, गलती नहीं हो, भूल से भी मिस्टेक नहीं हो और मिस्टेक से भी भूल नहीं हो, ठीक है, इस बात का ध्यान देना जरूरी है, तभी जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है, दिन भर अच्छा चलेगा, और अगर दिन में ही आप पूजा पाठ नहीं किए, सुबह स्टार्टिंग नहीं कर पाए हवन कीर्तन पूजा मार्जन पाठ, तो दिन को मैनेज कर पाना मुश्किल है इस समय, ये जो कंडीशन अभी मकर राशि का 7.5 बना, स्पेशली इट अफेक्ट द मेंटल स्टेटस।